हे गाइस वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत करता हूँ टेक्निकल स्टार जी यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज का ये वीडियो ना गाइस धमाकेदार होने वाला है, खास करके यार रियल क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि रियल क्रिकेट 21 के बारे में काफी सारे धमाकेदार सरप्राइज न्यूज आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि रियल क्रिकेट 21 में आपको क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है और ये रियल क्रिकेट 21 कब आने वाला है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपने इस वीडियो को इस खुशी के वजह से लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, क्योंकि तो बाद में आप लाइक करना भूल जाओगे। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर दबा के रखो, ताकि मैं जब भी कोई न्यू गेमिंग वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके फोन में चला जाए तुरंत ही तुरंत। तो गाइस रियल क्रिकेट एक सीरीज है और सीरीज का कभी भी एंड नहीं होता है, तो डेफिनेटली रियल क्रिकेट 21 भी आपको देखने को मिलेगा, जो आने वाला है मार्च या फिर अप्रैल महीने में। क्योंकि रियल क्रिकेट की जो सीरीज है भाई, ये कभी भी एंड नहीं होगा और ये हर साल आपको देखने को मिलेगा एक नया वर्जन और नया अवतार में नया फीचर्स के साथ। तो रियल क्रिकेट 21 आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा मार्च अप्रैल महीने में, जैसा रियल क्रिकेट की हर साल सीरीज आता है। लेकिन इस साल रियल क्रिकेट के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रियल क्रिकेट के जो कंपनी है उनको खरीद लिया है सचिन सागा गेम के कंपनी ने। तो आप सोचो यार, नॉटिलस प्लस सचिन सागा गेम के कंपनी दोनों मिलकर अगर रियल क्रिकेट 21 बनाएगा, कितना एक्साइटिंग होने वाला है। तो इसके बारे में और कि रियल क्रिकेट 21 के बारे में काफी सारे जानकारी मेरे पास आ चुका है। जैसा कि रियल क्रिकेट 21 के जो कंपनी है नटलास मोबाइल, उनको खरीद लिया है सचिन सागा गेम के कंपनी ने। तो जो अभी ये रियल क्रिकेट 21 आने वाला है, ये बनाने वाला है सचिन सागा गेम के कंपनी के साथ, नटलास मोबाइल मिलकर रियल क्रिकेट 21 बनाएगा। तो सोचो कितना एक्साइटिंग होने वाला है रियल क्रिकेट 21, क्योंकि इसके अंदर एक नहीं दो कंपनी मिलकर बनाएगा। जैसे कि WCC3 जब बनाया था उसके साथ दो कंपनी मिलकर बनाया था, तो ऐसा ही रियल क्रिकेट 21 भी आने वाला है, उसको बनाएगा दो कंपनी मिलकर। एक होगा नटलास मोबाइल और एक जेट सेंसर्स नाम से एक जो कंपनी है जो सचिन सागा गेम को डेवलप किया है, उन कंपनी और ये नटलास दोनों मिलकर गेम बनाने वाला है रियल क्रिकेट 21। और ये रियल क्रिकेट 21 कब आने वाला है, रियल क्रिकेट 21 आने वाला है मार्च या फिर अप्रैल महीने में। और इसका जो डेट है गाइस, ये उसी टाइम अपडेट देता है जितना भी सीरीज वो रिलीज किया है, रियल क्रिकेट के जितने भी सीरीज आया है वो अप्रैल मार्च महीने में ही आपको देखने को मिलता है। तो हर साल ये चलता रहता है और आपको डेफिनेटली फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। रियल क्रिकेट 21 के बाद रियल क्रिकेट 22 भी आपको देखने को मिला, लेकिन रियल क्रिकेट 21 खास होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सारे ग्राफिक्स में चेंजेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी नया कंपनी जुड़ चुका है। तो डेफिनेटली गेम के अंदर नया कुछ होने वाला है, और ये नया कुछ क्या हो सकता है, जैसे कि गेम का जो ग्राफिक्स है वो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है, गेम के अंदर नया AI डाल सकता है, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होगा उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे कि आपको WCC3 में काफी अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट देखने को मिला था, नया 360 शॉट देखने को मिला था, न्यू शॉट देखने को मिला था, न्यू एनिमेशन, न्यू कैमरा एंगल, ये सारे आपको डेफिनेटली रियल क्रिकेट 21 में भी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग यार काफी टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि रियल क्रिकेट 20 आने के बाद से यार रियल क्रिकेट का कंपनी थोड़ा सा डाउन में चला गया है, क्योंकि जिस तरह से रियल क्रिकेट 90 में अपडेट आया था उस तरह से रियल क्रिकेट 20 में अपडेट नहीं आया है। इस वजह से कंपनी ने थोड़ा सा लॉस में होके कंपनी को बेच दिया है दूसरी कंपनी को, अभी एक बड़ा कंपनी ने इसको खरीदा है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम होने वाला है रियल क्रिकेट 21 में। तो ये सारे न्यूज मैंने सोर्स से निकाला है, आप उसका फेसबुक में जाके चेक भी कर सकते हो। रियल क्रिकेट ने शेयर भी किया है, उनका जो पार्टनरशिप है वो चेंज हो चुका है, यानी कि उनको खरीद लिया है दूसरे कंपनी ने, जो भी एक क्रिकेट डेवलप कंपनी है जो अच्छे ग्राफिक्स के साथ सचिन सागा गेम रिलीज किया है। और गाइस रियल क्रिकेट के जो CEO है अनुज मनकर, वो छोड़ दिया था गाइस इस कंपनी को, लेकिन उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया है इस रियल क्रिकेट के गेम को और भी बेहतरीन बनाने के लिए और भी एक्साइटिंग अपडेट देने के लिए वो फिर से ज्वाइन किया है। और अभी वो CEO है, तो पहले भी था, जब वो था तब बड़े बड़े अपडेट दिया था, अभी फिर से ज्वाइन किया है, तो डेफिनेटली अपकमिंग अपडेट धमाकेदार होने वाला है। और साथ ही साथ अभी एक नहीं दो कंपनी है, तो दो कंपनी मिलकर डेफिनेटली अच्छा काम होगा, दोनों कंपनी के पास अच्छा नॉलेज है, तो डेफिनेटली गेम बेहतरीन होने वाला है। अभी थोड़ा सा समय का इंतजार करना बाकी है, उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो पसंद आया है, और अगर कोई मेरे से गलती होता तो माफ कर देना यार, और वीडियो को दबा के शेयर करो, लाइक करो, कॉमेंट करो। मिलता हूं आपके साथ ऐसे ही खास वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।